हेलो दोस्तों, ये जो आप खेत देख रहे हो ना, यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक दिख रहा है, ये हमारी खेत नहीं है, ये प्रदीप सर की है। और हम अभी आए हुए हैं हरियाणा में, और जिस दिन लाइव हुए थे तो हमने बताया भी था आपको कि मैं हरियाणा में हूँ, और फिलहाल मैं गांव में घूमने आया हूँ सर के पास हरियाणा में। प्रदीप सर, जो कि आपको आप कुछ दिन पहले भी देखे होंगे, अपने चैनल पर आए थे, मैथ मस्ती चैनल पर, प्रदीप सर, जी के भाई प्रदीप सर, सर के चैनल का नाम है, और हरियाणा जी के पढ़ाते हैं सर। और फिलहाल तो मैंने सर से ये भी कहा है कि सर आप एनटीपीसी के लिए भी बच्चों को कुछ पढ़ाइए, तो सर ने कहा है कि अब एनटीपीसी के लिए भी वीडियो डालेंगे। तो आइए हम आपको सर, प्रदीप सर की ये सारी खेतें देख रहे हैं, वहाँ पर घर है सर, वो देख सकते हैं। और खास के मुझे थोड़ा सा यहाँ अजीब लग रहा है क्योंकि घर बहुत कम मिलते हैं सर की। वहाँ पर घर है सर, वो वाली घर है ये वाली घर है, और शायद उधर चाचे की घर, हाँ, बिल्कुल चाचा जी का घर है सर के। और फिर आप देखो कि नजदीक में कोई घर नहीं है, दूर दूर तक। हमारे यहाँ बिहार में सर घर पर घर होता है, और एक दूसरे के घर में दीवार बनाने के चक्कर में बहुत मार होता है। यहाँ तो इतनी जमीनें हैं कि भाई बना लो, जहाँ बनाना है बना लो, दूर दूर तक। इधर भी मैं दिखाना चाहूँगा, इतने दूर दूर घर होता है। जो लोग यहाँ के हैं उनके लिए तो कोई खास बात ये नहीं है, क्योंकि उन्हें तो सिंपल लगेगा, लेकिन मेरे लिए खास बात ये है सर, कितनी ज़मीनें नहीं होती वहाँ पर। बिल्कुल सर। और खास के मैंने ये चीज़ देखा कि सर सरसों का फसल बहुत तगड़ी दिख रही है। बिल्कुल। बहुत अच्छी पौधे यहाँ पर हैं सरसों के, और इधर गन्ने का खेत भी बहुत तगड़ा है एकदम सर, झकास है। और व्यवस्थाएं पानी का बहुत अच्छा लगा, यहाँ सौर ऊर्जा से पंपिंग सेट चलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ तो कोई सरकारी पंपिंग सेट भी नहीं है। बिल्कुल। और पता नहीं कब हमारे बिहार में वो चीज़ें होगी, कभी सूखे से ग्रसित होती है तो कभी बाढ़ से। बाढ़ से तो आप हर साल देखते होंगे न्यूज में, जब भी बाढ़ का टाइम आता है सर। बिल्कुल सर। वो सावन और के टाइम आता है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि मतलब बाढ़ से हमेशा बिहार ग्रसित होना ही होना है, तो ये चीज़ें होती है। फिलहाल मैं यहाँ का लुफ्त उठाता हूँ और आपको दिखाता हूँ बिहार की चिंताएं ज़्यादा न करते हुए, क्योंकि हमारे केवल चिंता करने से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, बस एक प्रयास जारी है। तो आइए प्रदीप सर से हम आपको मिलवाते हैं। और हमारे प्रदीप सर, सभी बच्चों को नमस्कार, और सबसे पहले मैं विपिन सर का धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती टाइम निकाल कर यहां पहुंचे हैं बिहार से, वरना सर कौन 1500 किलोमीटर चलकर यहां आएगा। नहीं सर, हम बिहारियों को तो आदत है हरियाणा पंजाब तक दौड़ने की, आने की। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे पास आए हुए हो। और आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है सर? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या कहें, बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर इतना शांत वातावरण, इतना खुला जगह, और मतलब एक सुकून सा मिलता है सर, ये तो सच्चाई है। यहाँ का सर क्या होता है, सुबह का जो टाइम होता है ना, बड़ा लुभावना टाइम होता है सर, ये अपना शहर में ये चीजें सारी मिस करते हैं। और यहाँ का टाइम और यहाँ की फसलें वगैरह सर देख करना, मतलब दिल खुश हो जाता है। ये हमारे मतलब भाई आए हुए हैं, जमीन बोते हैं, इनसे ये दिखाई देख पा रहे हो आप। और दिन रात सर अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, और ये सभी इन्हीं की मेहनत है सर। हम तो एक ये तो नींव की ईंट तो यही है, और ये फसल दिख रही है वो इन्हीं की बदौलत है। यही खेती करते हैं? यही खेती करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह नाम है आपका। चलो, अभी सरसों की फसल लगी है, गेहूं का मैं देख रहा हूं, उसके बाद इधर गन्ने का खेत भी मैंने देखा है ना, ये गन्ने सामने। और क्या क्या फसल अभी लगी है यहाँ पर? और फसल तो यही है, सरसों गेहूं। सरसों गेहूं और गन्ने ना, ये प्रमुख है सर यहाँ। गन्ने एक खेत देखा मैंने बड़ा सा यहाँ पर सर, और क्या है यहाँ पर गन्ने? गन्ने सर, और इसके पार है ना जो अपनी, हाँ हाँ, वहाँ वहाँ बहुत बड़ी बड़ी खेत देख रहा हूँ गन्ने का। और सर यहाँ का मतलब है सुबह सुबह का गांव का वातावरण है ना, वो मतलब हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है सर। सुबह सुबह आप घूमोगे ना, एक अलग ही ताजगी का एहसास। एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, मैंने यहाँ की जो चीजें देखी हैं, और सर सबसे बड़ी चीजें है ना, एक तो बाढ़ नहीं आती जी, बिल्कुल नहीं बाढ़ नहीं आती। दूसरी चीज है सिंचाई की व्यवस्था है, हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था, और किसान के लिए ये बहुत जरूरी का चीज़ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोग दिल से मत लीजिएगा, अगर बीजेपी कांग्रेस कोई भी हो तो दिल से नहीं लीजिएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 32 दिन से किसान अनशन पर बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं, इस इतनी ठंड में
कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, 30-32 लोग से ज्यादा लोगों की, किसान की मौत हो गई है, जो हमारे अन्नदाता हैं। सरकार उनकी बात को सुने और इसका निदान जल्दी से निकाले, हम आग्रह करेंगे। किसान के बारे में बोलते हैं ना तो कुछ नेगेटिव लोग होते हैं ना सर, वो कहने लगते हैं ये बीजेपी के फॉलोअर है या कांग्रेस के है। ये कहीं मतलब से एक ही बात कहता हूँ कि मैं गलत हो सकता हूँ, पूरा इंडिया का किसान तो गलत नहीं हो सकता ना। दो चीजें, लाखों की संख्या में टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं वो सारे तो गलत नहीं हो सकते ना, तो कहीं ना कहीं तो सर इस बिल में कमी है। सरकार कह रही है हम 17 चीजों पर मतलब संशोधन करने के लिए तैयार है, अगर तैयार है तो कमी है सर, कमी है तो उसको रद्द कीजिए सर। सबसे बड़ी बात है सर, अगर हम शिक्षित अगर हैं सच में तो ना हम चमचा होंगे ना अंधभक्त होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, जो नहीं समझ रहा है, वो अंधभक्त भी हो सकता है और चमचा भी हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम उनमें से कोई नहीं है, हम एक देश के नागरिक है, एक किसान के बेटा है। अगर सरकार को कुछ करना है तो मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं सर कि हमारे बिहार में आकर कुछ भी कर दो। बिल्कुल। या तो तुम पूरा गड्ढे खुदवा दो, कोई दिक्कत नहीं, लोग मछली पालन कर लेंगे, जी लेंगे, या सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, या सूखा से बचाने का उपाय हो जाए, या बाढ़ से बचाने का उपाय हो जाए, क्योंकि बिहार में सर स्थिति मैं आज भी बता रहा हूँ बड़ी दयनीय है सर। मैं देखी, आप खुद गए हैं ना, आप खुद जब वहां से आए यहाँ देखते हैं तो आप कहते हैं सर कितनी गरीबी है। बिल्कुल, एक सरकार की दोष नहीं है, ये सिस्टम का ही दोष है सर। सरकार तो बदली है, सरकार आई गई है ना, सिस्टम वही है सर। हमेशा क्या होता है, विपक्ष किसान की चिंता हमेशा विपक्ष को ही होती है, जो सत्ता में आएगा वो किसान की सोचता ही नहीं है सर। यही समस्या है सर, यही समस्या है। और वहाँ क्या है कि अगर लोग खेती करेंगे, अगर वो मजदूरी अगर जीवन यापन कर रहे हैं तो वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप देखते होंगे सर छोटे छोटे बच्चे भी खेती करने के लिए, काम करने के लिए बिहार से यहाँ आते हैं। बिल्कुल, आप लोगों को तो अच्छे तरह से पता होगा सर। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज देखते होंगे कि वो बड़ी जनसंख्या जो शिक्षित नहीं हो पाता इसी वजह से रोजी रोटी के लिए, अगर उनकी रोजी रोटी का व्यवस्था उनके गाँव में, उनके खेत में, उनके बिहार में, तो एक तो उन्हें शिक्षा भी मिलेगा और वो अपने खेतों में काम भी कर लेंगे। और कोई एक मजदूरी करके ना कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, ये आपको भी पता सर। मजदूरी लोग केवल पेट भरने के लिए करते हैं, वो ढंग से कपड़ा भी नहीं पहन सकते। तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अगर चाहे तो बिहार में आके कुछ भी करिए, किसान के लिए कुछ भी लाइए, उसके लिए फायदेमंद ही होगा। और मुझे तो लगता है कि सर पंजाब हरियाणा के किसान के लिए ये एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है, जो किसान नहीं चाहते हैं। जब किसान जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं तो आप उनको एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो? ये तो फिर वही वाली बातें हो गई सर कि मतलब अगर हम पैंट सिलवाने गए थे और दर्जी ने गलती से काट कर कच्चे बना दिया और उसकी विशेषता बता रहे कि भाई कच्चे पहनोगे तो हवा थोड़ा ज्यादा लगेगा नीचे से, तो ये चीजें हैं, काट दिया हाँ, हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। और एक बात और है, मैं एक किसान का बेटा हूँ और आज आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो मैं आपका शिक्षक भी हूँ। आप ये कहेंगे कि सर आपको क्या लेना देना, आपकी जिंदगी तो अच्छे से चल रही है। बिल्कुल सही चल रही है, अगर खेती हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना, एक छोटा सा कहानी है सर, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। सर मेरा हाथ थोड़ा सा दुख गया है पकड़े पकड़े, अब थोड़ा सा आदत कम पड़ गया कुदाल उठाने का ना, सही सर, तो कमजोर हो गया हूँ मुझे लगता है सर। एक छोटा सा कहानी मैंने सुना था कहीं से कि एक बार क्या होता है ना कि एक कसाई के घर में और चूहा रहता है। बिल्कुल सर। तो वो कसाई क्या करता है कि एक पिंजरा लेकर आता है, ये चूहादानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चूहा को पकड़ने वाला, वो चूहा चूहादानी देखकर समझ जाता है कि भैया आज अपना दिन आ गया है। हाँ। है ना, अब अपना दिन आ गया है, अब हम जाने वाले हैं क्योंकि कसाई ने चूहादानी लेकर आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो डर जाता है और उस घर में एक कबूतर रहता है, उस कबूतर के पास वो जाता है। उस घर में कबूतर है, एक मुर्गा भी है और एक बकरा भी है सर। वो चूहा जाकर उस कबूतर को कहता है कि भाई देखो ये कसाई ने चूहादानी लेकर आ गया है, अब मेरा तो दिन आ गया, तो कुछ करो, मुझे कुछ बचाने का प्रयास करो, कुछ तो सुझाव दो। तो वो क्या करता है, कबूतर कहता है कि मुझे क्या लेना देना इसे, ये तो तेरी प्रॉब्लम, ये तेरी प्रॉब्लम है, तू समझ। फिर बेचारा मुर्गे के पास जाता है, मुर्गे भी यही बात कहता है, हंसने लगता है। हाँ ऐसे ही। फिर वो बकरे के पास जाता है, बकरा जोर जोर से हंसता है कि साला चूहादानी लाया है ना, अब मुझे क्यों सुना रहा है, तू समझ, ये तेरी प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि रात में तो कसाई ने चूहादानी लगा दिया, चूहादानी लगा दिया और वो कसाई सो गया। अब क्या होता है कि रात में चूहा न फंसके, क्योंकि चूहा को तो पता था इधर उधर होना नहीं है, फंस जाएंगे। सांप एक घुस जाता है धोखे से उस चूहेदानी में, सांप घुस गया। बिल्कुल सर। और पिंजरा में आवाज होने लगा, बंद होना, हाँ वो छटपटाने लगा सांप। तो
तब क्या होता है कि कसाई की जो बीबी है सर वो जाती है, उसको समझ में आता है कि अब चूहा फंस गया है, चलो आज इसी को खाते हैं आज, है ना। तो वो जाके और अंधेरे में हाथ वो लगा देती है पिंजरे को, उठा लेती है कि सांप डंक मार देता है, डस लेता है सांप। अब सांप डस लेता है, लोग उठा के जल्दी से उसको लेके वैद्य के पास चले जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब वैद्य के पास गए तो उसने सुझाव दिया कि भैया इसको जल्दी से कबूतर का सूप पिलाओ तब ये ठीक होगी। तो घर में कबूतर था ही, बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उस कबूतर को काटा गया, कबूतर की सर्विस हो गई। हाँ, सर्विस उसकी हो गई और बस बन गया सूप। सूप पिला दिया गया, ठीक हो गए। तब तक रिश्तेदार भी तो जुट गए थे। बिल्कुल सर। अब रिश्तेदार घर पे आए हैं तो उनकी मान सम्मान भी करनी पड़ेगी। मुर्गा भी, मुर्गा को बना दिया गया। अब मुर्गा लोग खा लिए, तब तक पड़ोस के लोग, दोस्त लोग सब जुट गए तो ज्यादा संख्या हो गया। अब बकरा को भी बनाना पड़ा और बकरे को भी काट दिया गया। तो समस्या क्या है कि जब प्रॉब्लम हमारी है, कभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है तो हमें आवाज उठाना होता है, किसान की प्रॉब्लम है तो हमें आवाज उठाना होता है। लोग ये सोचते हैं कि भाई तुम पढ़ा लिखा हो के मूर्ख है। देखिए, अगर आप आवाज उठाते हैं तो ये मूर्खता की बात नहीं है। हाँ, गलत चीजों के लिए कभी आवाज नहीं, मतलब अगर सही हो रहा है तो उसमें आवाज उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार हमारी है सर, इतना ही सोच के देखो, जिन्हें बात ये समझ में नहीं आती होगी, हमारी सरकार है। कोरोना वायरस के समय सर मदद मांगी तो हमने भी दिया, आपने भी दिया, सब जगह से मदद सरकार की हम लोगों ने किया, क्योंकि सरकार हमारी है। बिल्कुल सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हमारे लिए माननीय है वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बात हमें याद रखना पड़ेगा, और हमारे गार्जियन है अगर देश को वो चला रहे हैं तो। बिल्कुल है सर। लेकिन किसान जो चीज नहीं चाह रहे हैं उसको क्यों दे रहे हो सर? और किसान कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, तो आप जबरदस्ती उसको खुशी देने की प्रयास ना करें। बिल्कुल, जैसा कि बच्चों विपिन सर ने बताया है कि अगर हम, जबरदस्ती नहीं होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया है कि एक मतलब चूहे की समस्या नहीं थी, वो समस्या है ना, मतलब चूहे की समस्या पर अगर चूहा के वो साथी अगर गौर कर लेते ना तो कोई नहीं, कोई निदान निकल, हाँ, निदान निकल। वही कहता हूँ किसानों के लिए, मैं एक ही बात कहता हूँ कि टपक जाती है उसकी कच्ची छत पानी से, टपक जाती है उसकी कच्ची छत पानी से, फिर भी वह किसान बारिश की दुआ मांगता है। सब जब बारिश आती है ना, किसान की कच्ची छत टपकने लगती है, फिर भी वह बारिश की दुआ करता है कि बारिश आएगी तो हमारी फसल अच्छी होगी, हमारी फसल अच्छी होगी तो सारा भारत आराम से खा पाएगा। और बच्चों, जो आप रोटी खाते हो, जो शहर में जो पिज्जा खाया जाता है, वो केवल किसान के द्वारा ही है। आप गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं करोगे। आज अगर आपने किसान का साथ नहीं दिया तो भविष्य है ना अंधकार में जरूर होगा। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सर। सर, मुझे याद है कि जब बचपन में हम लोग खाना खाते थे ना, बिल्कुल सर, तो कभी अनाज गिर जाता था, जैसे चावल खा रहे हैं तो चावल जो है अगर थाली से बाहर गिर गया ना, तो दादा दादी या मम्मी पापा डांटते थे। बिल्कुल सर, मारने के लिए कहते थे कि डांटते थे, और कभी मार भी लगती थी, इसलिए कहते थे कि अन्न को बर्बाद मत करो। बिल्कुल, जूठा कभी थाली में मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम अन्न छोड़ोगे तो कभी भूखे भी तरसोगे। इतना ही लो, यह हमें कहते थे। और सोचो सर, नाली में सर, और उस अन्न को उगाने वाला अन्नदाता आज तकलीफ में है। और बहुत लोग कहते हैं कि ये पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां उनको भड़का रहा है किसान का। सर, पार्टियां क्या भड़काएंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे आप क्या भड़काओगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप भड़का के मुझे क्या कर लोगे? मैं जो चाहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, वही मैं करूंगा। और इतने लोग की डेथ हो गई वहां पर, इतनी ठंड है सर अभी फिलहाल, मुझे लग रहा है 10 बज गए हैं, 10 बज गए हैं सर, और जैकेट डाल रखी है अपने, इतनी ठंड रात को सर, कपड़े, जबकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट निकले हैं, निकले हैं सर, 2 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली का, और वहां पर बेचारे वो सड़कों पर सो रहे हैं, और सरकार उनकी ओर ध्यान है नहीं। बस हम तो रिक्वेस्ट करेंगे सरकार से किसी भी तरीके से सर निदान निकले इसका, और हर कोई साथ देना चाहिए इसमें। बिल्कुल सर, इस निदान के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और हम लोग ये नहीं सोचे थे कि आज ये सारी वीडियो बन जाएगी। आए थे हम खेत देखने, पर जब खेतों को देखते हैं, वो चीज याद करते हैं, याद आती तो है, याद आती है। बिल्कुल, और याद आई तो अपने दिल की बातें कह दी, किसी को बुरा लगा उसके लिए भी माफी चाहते हैं, और अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आप समर्थन कीजिए इस वीडियो को, और देखते रहिए सर का चैनल, और इसी तरह प्यार देते रहिए मुझे भी, जिस तरह आप देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू बच्चों।